Screen is visible. Okay, thank you sir. Good afternoon everyone. आज मैं अपने सेशन का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रही हूँ. एज वी ऑल नो वी आर डीलिंग विद हम कर रहे हैं हाउ फैब्रिक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. देर आर थ्री बेसिक प्रोसेसेस वी आर बीन टॉकिंग अबाउट दैट इज वीविंग, नीटिंग एंड नॉन वूवन्स. वीविंग वाला हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में कि वीविंग में हमें दो यार्न चाहिए होते हैं. उसकी इंटरलेसमेंट से when the warp and weft they interlace together they make a woven fabric. So today we would be discussing about what are knitted fabric, what are knitted structure, कैसे दी जाती है और क्या उनका use कहाँ कहाँ पे होता है. Starting with the introduction part. So as we all know ऐसा फॉर्मेशन हमें फाइबर को ट्विस्ट दे के और उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं. स्पिनिंग के बाद जो हमारा यार्न हमें मिलता है उसकी उसको फर्दर हम फैब्रिक फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं. बट नॉन वोवन से एक ऐसा है जिसको डायरेक्टली फाइबर से हम बना सकते हैं. सो कमिंग टू द निटिंग पोर्शन. निटिंग क्या है? निटिंग वो फैब्रिक है विद अ वन सेट ऑफ यार्न एंड वन सेट ऑफ नीडल्स. ये देखिए सबसे पहले हैंड निटिंग आई थी तो वन सेट ऑफ मतलब ऑब्वियसली दो सिलाइयां आपको सेम नंबर की चाहिए होती है एंड एक ही धागा आपको चाहिए होता है. यू कैन निट द स्ट्रक्चर. ठीक है, रॉन्ग साइड जो फेस है एंड रॉन्ग साइड इज बर्फी और द पर्ल. तो फेस साइड आपको या मैं दूसरी टर्मिनोलॉजी में टेक्निकल टर्म्स में इसको आपको एक साइड पे यू दिखे इंटर यू एंड दूसरे साइड में आपको बी दिखाई देंगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अब पहले तो हमने पढ़ा वीविंग, फिर हम पढ़ रहे हैं दोनों. फर्स्ट एक तो डिफरेंस है, देखिए एक हो रही है इंटरलेसमेंट. इंटरलेस किया जा रहा है एक यान दूसरे यान से और हमेशा जो वीविंग होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे करी जाती है. बट निटिंग क्या है? एक लूप को दूसरे लूप थ्रू पास किया जाता है, उस प्रोसेस को हम निटिंग बोलते हैं. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो लूप्स हैं हमेशा आपके 90 डिग्री पे ही हो. दे कैन बी इंटरलूप इन वैरायटी ऑफ वेज टू फॉर्म द फैब्रिक. अब मेजर डिफरेंस अगर आप एक तरफ निटेड फैब्रिक ले लो और एक तरफ वोवन फैब्रिक ले लो, व्हाट द डिफरेंस यू विल फील लाइक? आपको देखने में ही टच करने में ही पता चलेगा जो निटेड फैब्रिक है वो रिजिड होता है, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हम, लिमिटेड अमाउंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं. बट जबकि आपका जो निटेड फैब्रिक है उसको हाईली एक्सटेंसिबल होता है, वो रिजिड नहीं होता. निटेड फैब्रिक को जैसे मसलिन को हम टियर कर सकते हैं जैसे out, but knitted fabric mein it is not the case. Like woven fabric mein there is a crease or wrinkles ke chances hote hain. Knitted fabric aap apne sweaters dekh lijiyega, usme koi crease aane ke chances nahi hote. Woven fabric thinner hote hain, knitted fabric thicker hote hain. Then woven fabric are stiffer, matlab hard se dikhte hain. Knitted fabric limp, softer se feel hote hain. Ab जो जैसे जितनी ज्यादा लूप्स आपने देखा होगा, कभी आप स्वेटर को स्ट्रेच करके देखिएगा, यू विल सी दी होल्स. तो मतलब उसमें एयर परमेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी वोवन फैब्रिक. और जो वोवन फैब्रिक है उसमें हमेशा हम रिंग्स यूज करते हैं, ट्विस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट बल दिए जाते हैं, वो वाला यार्न यूज करते हैं. बट निटेड फैब्रिक में लेस ट्विस्ट कैन बी यूज. आपने देखा होगा वर्धमान निटिंग यार्न्स या कोई भी निटिंग यार्न्स, इफ यू सी उसमें बहुत कम बल डले होते हैं निटेड यार्न में. और वोवन यार्न की टेस्टिंग तो हम वाप और वेब डायरेक्शन में कर सकते हैं, सिर्फ दो डायरेक्शन में उसकी टेस्टिंग होती है. बट निटेड की मल्टी डायरेक्शन में उसकी टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्ट का नाम होता है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट. कमिंग टू निटिंग टर्मिनोलॉजीज. अब ये निटेड स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा ये लूप्स फॉर्म हो रही हैं. अब ये जो लूप्स आपकी जो हॉरिजॉन्टल वे में रन कर रही हैं, दीज आर कॉल्ड कोर्सेस, इनको कोर्सेस बोला जाता है. और जो वर्टिकली बाउंड्री प्लेन रन कर रही है अलोंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक उसको हम बोलते हैं वेव. ठीक है,
दीज आर दी कोर्सेस, दीज आर दी व्हील्स. अब निटेड फैब्रिक की अगर मेरे को विड्थ का पता लगाना है तो मैं सिंपली काउंट करूंगी कितने कोर्स है उसमें, तो मुझे विड्थ पता चल जाएगी. दैट इज कोर्स पर सेंटीमीटर में हम निटेड फैब्रिक की विड्थ को निकाल सकते हैं. और हमें लेंथ निकालनी हो तो हम काउंट करते हैं बेल्स पर सेंटीमीटर. कितनी बेल्स हैं? दीज आर बेल्स 1, 2, 3, 4. सो 4 आर दी कोर्सेज एंड 4 आर दी बेल्स इन दी पिक्चर शोन हियर. ओके, नाउ कमिंग टू अब स्टिच है. जो लूप्स फॉर्म हो रही है नीटिंग प्रोसेस के दौरान उसको हम स्किप करेंगे. देन इज गेज और गॉज. गेज है कि कितनी द डेंसिटी ऑफ नीटिंग नीडल्स एंड द नंबर ऑफ नीडल्स पर इंच. एक इंच में आपने कितनी नीडल्स को लगाया हुआ है अपनी मशीन पे उसको गॉज बोलते हैं, गेज बोलते हैं या गॉज बोलते हैं. ठीक है, ये मोली 2.4 सेंटीमीटर, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर. अगर कम आपके नीडल या नीडल्स होंगी तो मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत मोटे मोटे लूप्स आएंगे, बड़े बड़े जितने ज्यादा लूप्स आएंगे ज्यादा होगी. और अगर बहुत ज्यादा नीडल्स आप आस पास लगा दोगे, एक इंच में एक है, एक इंच में लगाएंगे ऑब्वियसली चार में चार बड़ी बड़ी लूप्स आएंगी. और अगर 10 नीडल्स होंगी तो उसमें 10 छोटी छोटी लूप्स आएंगी. तो जो निटेड स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी है, वो सब डिपेंड करता है गॉज के ऊपर. ठीक है, हेंस इट इज अ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. देन इज कोर्स, मैंने आपको बता दिया जो क्रॉस वाइज डायरेक्शन में आपकी लूप्स उनको हम बोलते हैं कोर्सेस. निटेड फैब्रिक का भी फेस और बैक होता है. जैसे कि वोवन फैब्रिक में फेस और बैक होता है, जैसे कि मैंने आप बताया, अगर मैं लेफ्ट नीडेड स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको एक साइड वी दिखेंगे, इन्वर्टेड वी, और एक साइड यू दिखाई देंगे. अब कट, कट सिमिलर टू योर गॉज. कितनी नीडल्स आपने रखी है, हायर द गॉज और द कट नंबर फाइनर इज द फैब्रिक. ठीक है, अब कोर्सेस, अब हमें ये तो पता चल गया कोर्सेस क्या है. जो हॉरिजॉन्टल रो ऑफ लूप्स हैं उनको हम कोर्सेस बोलेंगे. पर ये जो कोर्सेस हैं ये क्या होते हैं, एक सिलेंडर है उसपे एडजेसेंट नीडल्स, जितनी ज्यादा नीडल्स होंगी और वो साइमेंटेनियसली ये कोर्स को बिल्ड कर रही है. ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एडजेसेंट नीडल इन द सेम निटिंग साइकिल. मैं आपको निटिंग साइकिल के बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से. देन इज द व्हील्स. व्हील्स क्या है, वर्टिकल रो ऑफ लूप्स, जो वर्टिकली आपकी लूप्स लाई कर रही है उनको हम व्हील्स बोलते हैं. और ये देखिएगा सेम ही लाइन में है, मतलब एक ही नीडल, जैसे एक बार ये निटिंग साइकिल पूरी होगी फिर दूसरी बार दूसरी निटिंग साइकिल यहाँ के लिए शुरू हुई तो उसी नीडल ने उस पर्टिकुलर लूप को बनाया. इट इज फॉर्म्ड बाय सेम नीडल ड्यूरिंग द सक्सेसिव निटिंग साइकिल. मतलब एक बार रन कंप्लीट हो गया, दूसरी बार जब हमने धागा उसको लूप्स बनाए तो यही वाली नीडल उस पर्टिकुलर लूप को बनाएगी. अब हम बात कर रहे हैं, जगह जगह पे हम बात कर रहे हैं लूप के बारे में. लूप की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. लूप एक तो सबसे पहले बेसिक यूनिट है निटेड स्ट्रक्चर का. किसी भी अगर हम बात करें फैब्रिक का बेसिक यूनिट है. की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो निटेड स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट है वो है लूप्स. इट कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टू लिम्स और दी लेग्स. ये इसका हेड है, दी अपर पोर्शन, द राउंड कर्वेचर में जो है वो इसका हेड कहलाता है. दी साइड वॉल्स आर कॉल्ड दी लेग्स एंड दीज वेयर, जहां पे आपकी दूसरी जो लूप है इंटरलूपिंग कर रही है पुरानी लूप के साथ, ये है आपका फुट. तो ये टर्मिनोलॉजीज है लूप के, डिफरेंट पार्ट्स है, दैट्स हेड, लेग्स एंड फुट. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. अब मैं बात करूंगी स्टिच डेंसिटी. स्टिच डेंसिटी क्या है ये भी आपको निटेड की स्ट्रक्चर के केस में पता होनी चाहिए. स्टिच डेंसिटी रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन द मेजर्ड एरिया ऑफ द फैब्रिक. आपके स्टिच डेंसिटी से ही पता चलता है कि आपका फैब्रिक कैसा है, फाइनर है, हैवियर है, लाइटर वेट में है. जैसे आपकी स्टिच डेंसिटी चेंज होती है आपके फैब्रिक के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं.
सो स्टिच डेंसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कोर्सेज एंड व्हील्स पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितनी कोर्सेज और कितने व्हील्स हैं, एंड इज मेजर्ड इन यूनिट पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसकी मेजरमेंट होती है पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर में. नेक्स्ट है स्टिच लेंथ. अब स्टिच लेंथ आप समझ ही गए होंगे, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, इज अ लेंथ ऑफ यार्न इन वन मीटर लूप. हमने पीछे बात करी थी लूप की, मिलीमीटर्स में एक लूप बनाने के लिए लगा है, उसको हम बोलेंगे स्टिच लेंथ. ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ निटेड फैब्रिक. जितनी ज्यादा स्टिच लेंथ होगी या जितनी कम होगी, आपकी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज ऑल्टरनेट होंगी, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होंगी. Great. Generally, larger the stitch length, more open and lighter is the fabric. जितना बड़ा loop होगा, obviously वो fabric उतना उतना कम yarn उसमें used हुआ होगा, उतने कम loops होंगे. Loops ज्यादा होंगे, बड़े बड़े होंगे तो उसमें air space बहुत ज्यादा होगा, तो वो open structure की तरह act करेगा. Now, अब knitting करने के लिए तीन तरह की needles को use किया जाता है. फर्स्ट इज बियर्डेड नीडल, देन इज लैच नीडल, एंड लास्ट वन इज द कंपाउंड नीडल. बियर्डेड नीडल ये सिंपलेस्ट नीडल है जो सबसे पहले यूज करी गई थी, बट इसको रन करने के लिए एक अलग सा एलिमेंट चाहिए होता था जो इसकी बियर्ड को क्लोज और ओपन करता था. नेक्स्ट इसकी फर्दर एडवांसमेंट है लैच नीडल. ये सेल्फ एक्टिंग है, इसका जो लैच है यहाँ पे रिवेट से कनेक्टेड है, तो वो लैच ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो जाता है. बट कंपाउंड नीडल में इस लैच और बियर्डेड नीडल के दोनों के सम करेक्टरिस्टिक्स हैं. इसमें दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, ऊपर लैच और रिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, नीचे वो बियर्डेड नीडल की तरह दिखाई देता है. So, the spring bearded needle की मैं बात करूं, the needle consists of top hook curved downward with the finished tip and the continuation is called beard. ये top जो tip है इसको हम बोलेंगे hook, and the continuation जो नीचे को जा रही है उसको हम beard बोलेंगे. This is the latch needle. ये देखिए यहाँ पे latch लगा है जो ऊपर से ये crochet की तरह दिखती है curved. It has a hook portion. दोनों की खासियत है, ये तब इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि वी वर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रोडक्शन रेट में कमी आ रही थी, देन केम दी कंपाउंड नीडल्स. Now coming to the classification of knitted structure. Ab itna humne, that was the introductory part. Coming to the main classification, that is knitted fabric is divided into two types, that is weft knitting and warp knitting. Hum knitting hoti hai warp knitting. Weft knitting ko further divide kiya jata hai single jersey and double jersey mein, usme pearl, rib aur interlock aa jate hain. Warp knitting is further divided into two types, that is tricot and rachel. सबसे पहले जैसे हमने weaving में देखा था, winding से हमारे पास चीज या कोन जाते हैं. अगर मैं warp knitting में जैसे हमारे weaving में beams बनाए जाते थे, warp beams बनाते थे, warping करते थे, उसी तरह warp knitting में beams बनाए जाते हैं, उसके बाद fabric की knitting करी जाती है. But weft knitting में हम चीज या कोन से डायरेक्टली वेफ्ट निटिंग कर देते हैं. दिस इज द ह्यूज डिफरेंस. आई वुड बी आस्किंग द क्वेश्चंस एट द एंड, सो बी कंसंट्रेट हियर. कमिंग टू द वेफ्ट निटिंग, अब वेफ्ट निटिंग क्या है? इफ द यार्न्स रन इन द विड्थ और क्रॉसवाइज डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन ड्यूरिंग निटिंग, देन द प्रोसेस ऑफ निटिंग इज कॉल्ड वेफ्ट निटिंग. आपके वेफ्ट निटिंग में क्या होता है, हमेशा ये क्रॉसवाइज डायरेक्शन में ही आपका फैब्रिक स्यू डायरेक्शन में होती है. बताने के लिए तो हमने बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, रील्स बोलते हैं, बट वेफ्ट निटिंग एक ऐसा निटिंग प्रोसेस है जिसमें जो निटिंग है, जो लूप है, हमेशा
क्रॉस वाइज डायरेक्शन में करी जाती है. इन वेब निटिंग लूप्स आर फॉर्म्ड अक्रॉस द विड्थ ऑफ फैब्रिक. ईच वेब थ्रेड इज फेड मोर और लेस एट द राइट एंगल. ये देखिए ये वेब थ्रेड है, ये फीड किया जा रहा है राइट एंगल, नियरली राइट एंगल पे टू द डायरेक्शन इन विच फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, फैब्रिक इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है. In this method, the fabric is produced by a simple and up and down movement of the needle, which is provided by the profile of the cam. Cams लगे हुए हैं. तो नीडल यहाँ पे होती है, तो जैसे जैसे वो कैम प्रोफाइल को फॉलो करती है तो नीडल अपनी निटिंग साइड कर लेती है. तो कैम्स क्या है, वो रोटरी मोशन, रोटरी मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग नीडल मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब निटिंग मैंने आपको बताया था वेब निटिंग डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं. सबसे पहले सिंगल जर्सी. सिंगल जर्सी एक सिंपलेस्ट निटेड स्ट्रक्चर है जिसका फेस साइड मोर शीन होता है, शीन इज शाइनी. बैक साइड ऑफ डल होता है, लाइटर फैब्रिक होता है, हाई फ्लेक्सिबल इन लेंथ एंड वेट. एक्सटेंसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जैसे फैब्रिक मशीन से निकल के आता है ये कर्ल होना शुरू हो जाता है, अपवर्ड को कर्ल होता है. ठीक है, और इसमें एक प्रॉब्लम है लैडरिंग, दैट इज वेरी कॉमन. लैडरिंग आपको मैं बता दूं, ये देखिए ये जो लूप्स है ये स्ट्रेट ना रह के टेढ़े हो जाते हैं. दिस इज लैडरिंग, जो ये प्रॉब्लम इसमें पाई जाती है. जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है फैब्रिक वो किस नाम से है, फ्लीस, इंट्राशिया, जैकार्ड नीट्स, निटेड टेलर, लेयर्ड नेट्स, सिल्वर पाइल नेट्स, इन नाम से जो फैब्रिक है आपका कमर्शियली वेब निटेड अवेलेबल होता है. Then coming to the next variation of web knitted, that is pearl. Pearl क्या है, वो फैब्रिक जिसके बोथ साइड सिमिलर होते हैं फ्रंट. अभी हम बात कर रहे थे सिंगल जर्सी में फ्रंट और बैक डिफरेंट होता है, पर पर्ल वैसा है जिसमें दोनों साइड सिमिलर दिखते हैं और हो जाती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लेन जर्सी. इसका ऑब्वियसली जहां आप मोटा कपड़ा बनाओगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन उसकी कम हो जाएगी. और इसको यूज किया जाता है चिल्ड्रन गार्मेंट, ब्लैंकेट, शॉल्स और स्कार्फ के लिए. नेक्स्ट इज योर रिब फैब्रिक. रिब भी डबल सिमिलर अपियरेंस ऑन ईच साइड, थिकर और हैवियर होता है. इसमें जो हमने प्रॉब्लम देखी थी वेब नीटेड प्लेन जनरली पाए जाते हैं, जो आपके टी शर्ट्स के कॉलर्स होते हैं, नेकलाइंस होते हैं, कफ्स होते हैं, देन बॉटम एजेस ऑफ स्वेटर. जो आप देखते हैं स्वेटर के नीचे मोटा मोटा होता है ना बॉटम एज, उसको उसमें किया जाता है. हैट्स एंड एंड्स हॉजरी में आपका इसका यूज किया जाता है. देन इज द इंटरलॉक फैब्रिक. इंटरलॉक भी बोथ साइड से इसकी अपीयरेंस सेम होती है, बट इसकी अपीयरेंस सिंगल जर्सी की तरह होती है. फैब्रिक डज नॉट कर्ल. ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्राइप्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द कलर्ड यार्न्स. इसमें स्ट्राइप्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप कलर्ड यार्न यूज करो. Obviously, rate of production इसमें भी कम होता है. ये कुछ knitting faults हैं जो दिखे जाते हैं, जैसे पाटा, hallmark, loop, crowd, या mark. जैसे weaving में हमने देखा था shuttle के marks लग जाते हैं और seams लग जाते हैं, needle के टूटने से आपका loop टूट गया, कोई dust contamination उसमें चली गई. तो ये knitting के जो web knitting में faults ये दिखते हैं. ये देखिए नीडल, अगर आपकी नीडल ब्लंट हो जाए, ऐसा मार दी, गंदा डर्ट उसमें फंस जाए, देन इस लूप लूप ब्रेक हो जाए, इस पहले आउट यान पूरा निकल जाए. लाइक्रा, मतलब लाइक्रा क्या है, एक एक्सटेंसिबिलिटी है, कहीं पे आपने ज्यादा उसको एक्सटेंसिबल कर दिया, ज्यादा फोर्स डाला और के स्ट्राइप दिखेगी, वो इसलिए कई बार लूप लेंथ में डिफरेंस आ जाए तो भी आपको स्ट्राइप अलग की दिखाई देगी. नाउ कमिंग टू द एंड यूजर्स,
हमने बात की स्वेटर टी शर्ट एंड हॉजरी के लिए का कॉलर नेक कफ्स बॉटम एज स्वेटर हैट्स एंड पेंट्स हॉजरी पर्ल का इन पैंट चिल्ड्रन वियर स्वेटर्स और इंटरलॉक का यूज होता है स्वेटशर्ट्स एंड टेबल मैट्स बनाने के लिए. अब निटिंग ये जो वेफ निटिंग है इन मशीन्स पे करी जाती है तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रेम कैसा फ्रेम का डिजाइन है और कैसा नीडल बेड है तो दैट इज सर्कुलर एंड फ्लैट निटिंग. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नीडल बेड्स जनरली सिंगल नीडल यहाँ पे मैं सिंगल जर्सी की बात कर रही हूँ वहाँ नीडल डबल जर्सी की बात कर रही हूँ वहाँ नीडल बेड्स होते हैं और नीडल्स जो एंटेली एक्ट देन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए. अगर आपको फैब्रिक फॉर्मेशन तो अगर आपको एंड माय स्लाइड्स आई एम ऑडिबल ओके देन अकॉर्डिंग चाहिए या गारमेंट चाहिए उस बेसिस पे आपकी ये जो निटिंग मशीन क्लासिफाइड होती है. दिस इज फ्लैट बेड. फ्लैट बेड में देखिए बिल्कुल फ्लैट बेड है ठीक है. इन दी फ्लैट बेड In the flat bed, the fabric is usually turned after every row. ठीक है, फैब्रिक एक बार एक रो बन गई फैब्रिक को टर्न कर दिया जाता है और दूसरी रो बनाई जाती है. फ्लैट बेड मशीन इज वेरी फ्लेक्सीबल अलाउइंग कॉम्प्लेक्स स्टिच डिजाइन शेप निटिंग कर सकते हैं. एंड इसमें जो पीनियर है फ्लैट निटिंग मशीन की वो है मत्सुआ जापान में इसको बनाया गया था. Then is circular knitting. This is circular knitting machine. It is a knitting in round form में fabric को form किया जाता है और seamless एक tube like structure form होता है circular knitting machine में. When knitting circularly, knitting is cast on and the circle of stitches are joined. अब circular knitting machine में क्या होता है? The needles are fixed on the cylinder or dial in a circular shape. हमेशा जो needles होंगी वो circular shape में ही lie करेंगी और the सिलेंडर एंड डायल जनरली डबल जर्सी में ठीक है. डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड डायल इज फिक्स बट इन द केस ऑफ सॉफ्ट निटिंग मशीन इट इज इंटरचेंजेबल. फ्लैट निटिंग में नीडल्स आर फिक्स्ड. नीडल्स को अभी हमने सर्कुलर में देखा नीडल्स मूव कर रही है डाइल फिक्स है. फ्लैट नेटिंग में नीडल स्टेशनरी होती है और कैम उस पे रन करता है और उसके अकॉर्डिंग ऑन दिस मशीन नीडल बेड्स रिमेन स्टेशनरी व्हाइल यार्न फीडिंग सिस्टम कॉल्ड कैरेज मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. और ये कॉलर्स आर्म हैंड आर्म बैंड्स और स्वेटर्स बनाने के यूज में आती है. जो फैडन मशीन है वो वुलन फैब्रिक फुल कार्डिगन हाफ कार्डिगन मैरिनो हाफ मैरिनो और रिप स्ट्रक्चर्स बनाए. साइकिल है सबसे पहले क्या होता है दिस इज सिंगल लैच नीडल. जनरली वेफ नीटिंग में हम लैच नीडल का ही यूज करते हैं. तो नीटिंग साइकिल कैसे होती है ये देखिए ये लूप्स फॉर्म हो रही है. सो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग सिंकर इज फॉरवर्ड. सिंकर आगे जाता है लूप्स को पकड़ लेता है ठीक है. उसके बाद क्या होता है ये जो नीडल है ये लूप की लैच में फंसी हुई थी वो इसको ड्रॉप डाउन करेगी. उसको बोलते हैं उस स्टेप को बोलते हैं क्लियरिंग.
नेक्स्ट इज यार्न फिलिंग. अब नीडल आपकी अप्रोप्रिएट हाइट पे जहाँ पे आपका फीडर है वहां तक राइज करेगी और फीडिंग डिवाइस इसको यार्न फीड कर देगा. देन इज नॉक ओवर. अब नीडल का ये जो हुक है इस यार्न को ले लेगा और उसको लूप में कन्वर्ट कर देगा और पुरानी लूप से नई लूप को इंटरलूपिंग का प्रोसेस कर देगा. अगेन इट इज रेडी फॉर द प्रोसेस. दिस इज द नीटिंग साइकिल इन वेफ्ट नीटिंग. यू कैन सी हाउ इट इज. ये देखिए ये सिंकर है. जैसे ही नीडल ने एक लूप को करा सिंकर ने आगे आके इस लूप को पकड़ा. नाउ नीडल राइजेस फिर वो यार्न ले लेगी नया. अगेन उसको लूप बना के पुरानी वाली लूप के थ्रू इंटरलूपिंग कर दी. प्रोसेस आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. नाउ ये निटिंग साइकिल है जैसे कि मैंने आपको बताया. इट गोज डाउन फिर ऊपर उठती पुरानी लूप को क्लियर ऑफ कर देती है. दिस इज यार्न फीडिंग. तो यार्न यहाँ से नया यार्न ले लेती है. अगेन इट गोज डाउन टू फॉर्म दी लूप. दिस इज दी नीडल साइकिल और दी निटिंग साइकिल ऑफ दी वेफ्ट निटिंग. यू कैन सी हियर. यू कैन सी दिस इज सर्कुलर निटिंग मशीन. वही नीडल साइकिल देखने मिलेगी. ये देखिए नीडल से पर्टिकुलर यार्न प्रोफाइल फॉलो कर रहे हैं. हमेशा एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहे हैं और सारे नीडल्स पहले एक ले लेता है फिर दूसरी उठती है और एडजेसेंट नीडल्स एडजेसेंट ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल. ये देखिए हाउ इट्स गोइंग. दिस इज सर्कुलर नीटिंग और दी वेफ्ट नीटिंग. ये देखिए हमेशा जो निटिंग साइकिल है वो यही प्रोफाइल फॉलो करेगा. अब जितनी गेंद या वॉच खेलाएगा तो जितनी ज्यादा नीडल्स होंगी उतना आपका फैब्रिक फाइनर होगा. उत्तम इसमें गैप होगा और एयर परमेबिलिटी कम होगी और फैब्रिक आपका हैवी होगा. ये देखिए सर्कुलर वे में फैब्रिक नीचे को ट्यूब के फॉर्म में नीचे जाता जा रहा है. ये फीडर है जो यार्न फीड कर रहा है. आई होप अब आपको सबको समझ आ गया होगा. स्टिक्स क्या है. फैब्रिक हैज हाई इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेच. लूप्स जो है एयर एंड ट्रैप कर लेती है. इसके रॉन्ग और राइट और रॉन्ग साइड डिफरेंट होते हैं. इट कैन लूज शेप इजिली क्रीज फॉल आउट इजिली और इसको आराम से आसानी से उधेड़ा जा सकता है और इसमें कर्लिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है. दीज आर दी फ्यू वेफ्ट निटिंग. नाउ कमिंग टू योर सेकंड टाइप विच इज वार्प निटिंग. इट इज द सेकंड मेजर कैटेगरी ऑफ निट फैब्रिक करेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल रूप. और इसमें जो लैडरिंग की प्रॉब्लम हमने वेफ्ट निटेड स्ट्रक्चर्स में देखी थी वो इसमें नहीं होती. ये मोस्ट फ्लैट निटिंग मशीन में ही करी जाती है. टू टाइप्स ऑफ वार्प निटिंग है ट्राइकॉट एंड राशल. इन द केस द यार्न्स रन इन लेंथ वाइज डायरेक्शन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन. ये देखिए जो फॉर्म होंगे जो लूप्स फॉर्मेशन होगी वो लेंथ वाइज डायरेक्शन में होती है. वार्प निटिंग ऑब्वियसली ऑलवेज इन लेंथ वाइज डायरेक्शन. वेफ्ट निटेड क्रॉस वाइज डायरेक्शन. रिमेम्बर दैट. अब वार्प निटिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हमारा कोन वाइंडिंग होके आ जाता है इसमें भी बीम की फॉर्मेशन होती है सिमिलर टू एज दैट ऑफ योर वोवन फैब्रिक. बीम आपका यार्न सप्लाई करता है गाइड बार को. गाइड बार के थ्रू नीडल को सप्लाई होता है. देन फैब्रिक फॉर्मेशन होती है और होता है उसका. सो दिस इज द वार्प बीम. टू एंश्योर द यूनिफॉर्म कंडीशन ऑफ वार्प फीड टेंशन द यार्न एंड्स आर सप्लाइड फ्रॉम फ्लेंज्ड बीम्स अकॉर्डिंग टू शाफ्ट दैट टर्न बाय द वार्प. ये देखिए इस पे वार्प बीम की फॉर्मेशन करी जाती है. गाइड बार से आपका यान होकर कहा जाता है गाइड बार पे. गाइड बार इज नॉर्मली सप्लाइड विद वार्प शीट फ्रॉम इट्स ओन शाफ्ट.
बार के लिए बीम होती है और शाखा होती है जो उसको यार्न सप्लाई करता है. The minimum number of guide bar and warp sheets for commercially acceptable structures are usually two. दो करे जाते हैं. अब गाइड बार क्या है? एक मेटल प्लेट है जिसके लोअर एंड होल होता है जिसके थ्रू वार्प एंड आपका पास ऑन करता है और वो नीडल्स को सप्लाई करता है. दिस इज योर वार्प नीडल मशीन. ये देखिए, ये स्केचिंग है. दिस इज बीम. इट सप्लाइज वार्प बीम टू दी गाइड बार. गाइड बार फर्दर नीडल को सप्लाई करते हैं और आपका फैब्रिक निट होके आ जाता है. View of machine which is being used in the industry. ये देखिए beams बने हैं. Beam करते beam को warp ends को guide bar पे, उसके बाद knitting होती है यहाँ पे और fabric formation, उसके बाद वो take up हो जाता है rollers पे. अब जैसे कि मैंने बात करी courses and wheels की, जैसे web knitting में courses और wheels बने हैं. This one is important, please pay attention. उसी तरह वार्प नीटिंग में ओवरलैप एंड अंडरलैप्स होते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ओवरलैप, व्हाट इज अंडरलैप. ये देखिए, जो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस. वार्प नीटिंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट इज स्टिच इटसेल्फ व्हिच इज फॉर्मड बाय रैपिंग यार्न अराउंड द, जो यार्न आपके नीडल अराउंड जा रहा है, रैप हो रहा है, उसको बोलेंगे ओवरलैप, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है. एंड सेकंड पार्ट इज स्टिच फॉर्मेशन, लेंथ ऑफ यार्न लिंकिंग टुगेदर द स्टिचेस. जो लिंकिंग पार्ट होता है स्टिचेस के बीच में, उसको बोला जाता है अंडरलैप. नाउ यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज ओवरलैप. और ये जो बीच का लिंकिंग पोर्शन है जो दो लूप्स को कंबाइन कर रहा है, इसको बोल रहे हैं अंडरलैप. अंडरलैप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पैटर्न इफेक्ट्स. जितना बड़ा अंडरलैप होगा उतना बड़ा आपका पैटर्न, आप पैटर्न को चेंज कर सकते हैं. द लेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरलैप फ्लोट्स एंड देयर डायरेक्शन ऑफ रनिंग कोज अ वैरायटी ऑफ डिजाइन पॉसिबिलिटीज. आप डिफरेंट तरह के डिजाइन इसमें बना सकते हैं. ठीक है, नाउ लूप्स आर टर्म्स है. अब हमने बता दिया जो वार्प नीटिंग में लूप्स हैं उनको लैप्स बोला जाता है. तो जो स्टिच पार्ट है उसको ओवरलैप बोला जाता है. रिमेम्बर इट, स्टिच पोर्शन इज कॉल्ड लैप एंड लिंकिंग पोर्शन इज कॉल्ड द अंडरलैप. अब वार्प नीटिंग थ्री मशीन होती है वार्प नीटिंग के लिए, ट्राइकॉर्ड मशीन, कंपाउंड नीडल मशीन एंड राशल मशीन. हाउ वार्प नीटिंग पे गाइड बार लगा होता है. अब ये जो गाइड है ये स्विंग कर रहा है फ्रंट में, पहले नीडल के फ्रंट में आया, उसको यान दिया, बैक में चला गया. इट विल गो टू दिस साइड, इस नीडल को यान सप्लाई करेगा एंड कम्स टू द बैक. तो ये देखिए नीडल्स आपकी अप एंड डाउन ही कर रही है, पर गाइड बार की मूवमेंट ज्यादा हो रही है. वहां पे हमने कैम से नीटिंग साइकिल बनाया था, यहाँ पे नीडल पोजिशन जहाँ पे वो यान ले सके और गाइड बार उसको यान सप्लाई कर रहा है. ठीक है, सो वार्प नीटिंग के मैंने दो स्ट्रक्चर्स की बात करी, ट्राइकोट एंड प्लास्टिसिटी बहुत होती है, बेस्ट स्ट्रक्चर है, इनएक्सपेंसिव होता है. डायरेक्शन जो क्रॉस वाइज डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इसकी कर्लिंग होती है थोड़ी सी. गुड वाटर परमेबल सॉफ्ट यूजेस कहाँ यूज किया, लिंगरीज, नाइटवेयर्स, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, पैकिंग फैब्रिक फॉर मल्टी कंपोनेंट स्ट्रक्चर. मल्टी कंपोनेंट आपका आ गया जैसे कि जैकेट्स जिसमें पैकिंग की जरूरत है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है. देन लिमिटेड इंटीरियर यूज बिकॉज ऑफ हाई एलोंगेशन, इसमें एलोंगेशन बहुत ज्यादा होती है. देन इज रैशल, रैशल आपका यूज होता है फाइन लेसेस और नेट्स बनाने में, हैवी कार्पेट, थर्मल अंडरवियर विद द वेफल इफेक्ट, पावर नेट फैब्रिक फॉर स्विम सूट्स एंड
और इसकी जो रेम्बलिंग होती है वो क्रोचेटेड फैब्रिक होती है. These are the two tri-coordinated structures. This is the first one, which is termed as structure. इसमें lightweight fabric है, splits easily, yarn breaks. अगर जरा सा आपका underlap का yarn breakage हो गया तो fabric सारा फट जाएगा. Then is your satin structure. मैंने आपको बताया satin उस नाम देंगे length ज़्यादा होगी. तो knitted ये देखिए जितना अंडरलैप बड़ा होगा उतनी फ्लो लेंथ बढ़ जाएगी तो वो स्टार्टिंग का एक्ट दिखेगा. एज अंडरलैप इंक्रीजेस द स्मूथ एंड शाइनी टेक्निकल बैक. तो ये जो बैक साइड होता है वो स्मूथ और शाइनी हो जाता है. तो जो सर्फिंग वो स्मूथ में लगे coming back to the satin structure. I was talking about the satin structure. jitni underlap ki length hogi utna zyada aapka jo surface hai smooth aur shiny dikhega. next warp knitted structure is shark skin structure jo mostly aapke swim wears mein use hota hai. ye dekhiye iska to trapped longer underlap restrictive fabric shrinkage rigid aur very stable structure hota hai. रफ टेक्निकल बैक इसलिए इसको नाम शार्क स्किन स्ट्रक्चर दिया गया. आपको पता ही है शार्क जो स्किन है वो बहुत रिजिड होती है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय वार्प निटिंग दैट इज नेट टाइप स्ट्रक्चर. आप आपकी लेंथ को बढ़ा दीजिए तो वो जो है वो नेट की तरह आपको दिखेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ वार्प निटेड आर इट इज मोर स्टेबल देन वेफ निटेड. इसमें बिग और स्मॉल होल की होल्स की पॉसिबिलिटीज आर देयर. मेनी डिजाइन ऑप्शंस आर देयर. आप डिफरेंट ऑप्शंस कर सकते हैं इसमें यूज. हाईली कोर्स यार्न कैन बी यूज्ड एंड टेक्निकल फैब्रिक. टेक्निकल फैब्रिक वो फैब्रिक्स हैं जिनको आप एस्थेटिक के लिए पहनने के अलावा कई और फंक्शनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. जैसे कि फैब्रिक जो आपका प्लेग्राउंड्स या टर्फ्स बनाने के काम आता है या विंड मिल्स में यूज हो रहा है या फिल्टर्स में यूज हो रहा है. दे द फैब्रिक विच आर परफॉर्मिंग सम फंक्शन उन फैब्रिक्स को हम टेक्निकल फैब्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. सो वार्प निटिंग के यूज कर्टेन टेबल कवर्स चादर इन सम कंट्रीज यूज बहुत कम फॉर द क्लोथिंग. दीज आर द फ्यू images of the warp knitted structure. Ab comparison coming to abhi humne dono types padhi hai, weft knitting and warp knitting. Actually this is a very huge subject. This is introduced as a subject in BTech for one semester. So compiling all in a one go was difficult. So maine ye koshish kari hai ki maximum points cover ho jaye jo jo important hai. So weft knitting and warp knitting mein difference kya hai. इसमें लूप्स सबसे पहला आप देखिएगा. इसमें लूप्स जो हैं वो क्रॉस वाइज डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं और इसमें जो लूप्स हैं वो लेंथ वाइज डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस. अब वेफ निटिंग करने के लिए आपको कोई बीम की जरूरत नहीं होती बट वार्प निटिंग बनाने के लिए यू नीड अ यू रिक्वायर अ बीम. देन वार्प निटिंग कैन बी डन ऑन सर्कुलर एंड फ्लैट एंड इट इज डन ऑन ट्राइकॉट एंड रैशल मशीन. देन ये देखिए वार्प निटिंग में नीडल्स एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो कर रही है. ये कैम्स होते हैं. कैम्स नीडल को पर्टिकुलर प्रोफाइल फॉलो करने के गाइडेंस देते हैं. ठीक है. तो क्या होता है नीडल पहले नॉक करती है फिर क्लियरिंग करती है फिर यार्न फीडिंग होती है देन पुलिंग होती है देन इंटरलूपिंग होती है. दिस इज द नीटिंग साइकिल विच इज फॉलोड इन वेफ निटिंग. बट इसमें क्या है आपके जो फीडर्स हैं वो स्विंग करते हैं. गाइड्स जो हैं वो स्विंग करते हैं नीडल के अराउंड. ठीक है. अब कंपैरिजन
जो वेब नेटेड स्ट्रक्चर है उसमें आप स्टेपल एज वेल एज फिलामेंट यार्न दोनों यूज कर सकते हैं. आई होप यू रिमेम्बर व्हाट इज स्टेपल. स्टेपल मोस्टली जो आपके नेचुरल फाइबर से यार्न बना होता है वो आपका स्टेपल है. ओनली द सिल्क इज फिलामेंट फाइबर. यू रिमेम्बर वाफ नेटिंग में खाली आप फिलामेंट यार्न ही यूज कर सकते हैं. और स्टेपल यार्न आप यार्न जो स्टेपल आप जो आर्टिफिशियल फाइबर है सिंथेटिक फाइबर है उनको स्टेपल बना सकते हैं using the process which is done. Then warp knitting करने के लिए latch needles का use होता है. Warp knitting के लिए latch, beard and compound तीनों needles का use किया जाता है. Warp knitting is less versatile. This is versatile. Versatile मतलब आप warp knitting में बहुत सारे design possibilities create कर सकते हैं. अब जैसे ही आप इसमें डिजाइन चेंज करना चाहेंगे अगर वेफ नेटिंग में तो क्या होगा, आपको कैम की प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी. कैम की प्रोफाइल चेंज होगी तो उसकी स्पीड रिड्यूस कर जाएगी, बट इसमें पैटर्न चेंज करने पे स्पीड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता. इसमें द वेफ नेटेड स्ट्रक्चर में फैब्रिक की क्वालिटी इज नॉट कंसिस्टेंट. आपने देखा ही है मैंने जो डिफेक्ट्स की बात करी है वो मोस्टली वेफ नेटिंग में करी है. वाफ नेटिंग में मैंने डिफेक्ट्स की बात नहीं करी क्योंकि मैक्सिमम जो हमें क्वालिटी इश्यूज फेस करने को मिलते हैं वो वेफ नेटिंग में ही होते हैं. नेक्स्ट इज लूप्स आर नॉट यूनिफॉर्म. हियर द लूप्स आर यूनिफॉर्म स्ट्रेच इन बोथ डायरेक्शन. लेकिन जो वाफ नेट है वो खाली आपका विड्थ वाइज डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है. इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी लेस होती है, मतलब इसमें श्रिंकेज हो जाती है. आपने देखा होगा जो हम स्वेटर्स घर में डालते हैं धोने के बाद उसमें वो छोटे हो जाते हैं, दैट इज डायमेंशनल स्टेबिलिटी. अगर उनके साइज में कोई चेंज ना हो तो वी से कि द फैब्रिक इज डायमेंशनली स्टेबल. बट अगर साइज में चेंजेस आ जाए आफ्टर लॉन्ड्रिंग और वॉशिंग देन वी से इट इज डायमेंशनली अनस्टेबल. देन इट इज चीपर टू प्रोड्यूस. चीपर है इसीलिए लुधियाना में मोस्टली करी जाती है. लुधियाना इज ए हब ऑफ वेफ निटिंग और वाफ निटिंग इज कॉस्टलियर टू प्रोड्यूस. ऑब्वियसली टेक्निकल फैब्रिक इसमें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो ये समवट कॉस्टलियर है. ये देखिए वाफ निटिंग की जो पॉसिबिलिटीज है, आप शूज के ऊपर तो आप ये देखिए ये जो है स्ट्रक्चर यूज होता है, विंड मिल यूज होता है. दिस इज दी फिल्टर्स. फिल्टर्स में वाफ निटेड स्ट्रक्चर यूज होता है. दिस इज दी प्लेग्राउंड्स और दी व्हाट आई से ऑडिटोरियम्स उसमें यूज होता है. देन सीट कवर्स, देन दी प्रोटेक्टर फैब्रिक, जियो टेक्सटाइल्स में इन सब में वाफ निटिंग का यूज किया जाता है. नाउ कमिंग टू दी फैब्रिक स्टडी. जो कमर्शियली हमें जो फैब्रिक मार्केट में देखने को मिलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फैब्रिक्स. फर्स्ट वन सिंगल जर्सी वो देखने को मिली है. ये वेफ नेटेड स्ट्रक्चर है, इंटरलूपिंग से बनाई जाती है. सॉफ्ट ट्विस्टेड यार्न्स इसमें यूज किए जाते हैं. सर्कुलर निटिंग मशीन पे इसको बनाया जाता है और मोस्टली इसका यूज टी शर्ट्स बनाने के लिए होती है क्योंकि इसमें ड्रेप बहुत अच्छी होती है. हाई ड्रेपेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है. श्रिंकेज हो जाती है अगर नेचुरल फाइबर यूज किया गया हो. इसके यूजेस है लेजर वेयर मैन्युफैक्चरिंग, मेंस वुमेन्स और किड्स वेयर में यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स वेयर, देन अंडर गार्मेंट्स, देन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज योर डबल जर्सी. डबल जर्सी ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो वेफ नेटिंग टेक्निक. इसको बनाने के लिए दो सेट्स ऑफ नीडल एंड दो सेट्स ऑफ सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं. एक को सिलेंडर एक को डायल बोला जाता है. इंटरलूपिंग होती है इसमें भी. इलास्टिक रिकवरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल जर्सी. सॉफ्ट एंड रेजिलियंट, रिवर्सिबल टाइप. ऑब्वियसली दोनों साइड से इसका जो फेस है सेम अपीयर करता है. इसकी भी ड्यूरेबिलिटी ऑफ फॉल अच्छा है. डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसकी कम होती है. हाई श्रिंकेज इन नेचुरल फाइबर. इसका यूज होता है किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर, मैंस वेयर, एज अ एक्सेसरी फैब्रिक, स्पोर्ट्स वेयर फॉर कॉलर एंड कफ्स एंड अंडरगार्मेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है. दिस इज अ पीक नेट. पीक नेट एक वाफ नेटेड स्ट्रक्चर है. ये मोस्टली आपने शूज में देखा होगा, स्पोर्ट्स शूज में देखने को मिलता है. इट कैन बी नेटेड यूजिंग एनी फाइबर कंटेंट. वन सेट ऑफ नीडल इज यूज्ड लूपिंग होती है वर्टिकल डायरेक्शन में. वाफ नेटिंग जब भी बोला जाए तो ऑब्वियसली इट शुड कम टू योर माइंड की जो लूप फॉर्मेशन होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है.
प्रॉपर्टीज स्ट्रेचेबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू योर वेफ निटेड, सॉफ्ट होगा, नॉन रिवर्सिबल होगा, हाई ड्रेपेबिलिटी और गुड फॉल, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इसमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, बट अगर नेचुरल फाइबर यूज किया जाए तो श्रिंकेज इसमें भी पाया जाता है. तो इसका यूज मोस्टली टी शर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स वेयर के लिए किया जाता है. सिंगल जर्सी है जिसमें स्लब यार्न्स का यूज किया जाता है. स्लब यार्न वो होते हैं जिसकी लेंथ में थोड़े से थिक प्लेसेस आपको पाए जाए, उस यार्न को आप स्लब यार्न बोलते हैं. सॉफ्ट ट्विस्टेड यार्न्स यूज किए जाते हैं. सर्कुलर निटिंग मशीन पे इसको बनाया जाता है. फैब्रिक डाइंग इज कैरिड आउट इन सॉलिड कलर्स सो दैट स्लब के वाइटिश इफेक्ट आपको देखने को मिलना होगा. वॉयलेट पे वाइटिश, ब्लू पे वाइटिश, सो दिस इज स्लब इफेक्ट. ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी है हाई स्ट्रेचेबिलिटी एंड इलास्टिक रिकवरी बिकॉज इट इज अ मैग्नेटेड स्ट्रक्चर. डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसकी कम है, हाई ड्रेपेबिलिटी और गुड फॉल है. इसका यूज भी मेन्स वुमेन्स एंड किड्स वेयर के लिए किया जाता है, स्पोर्ट्स वेयर, देन अंडरगारमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज योर फ्लीस निटेड. अब देखिए फ्लीस आपने आजकल देखने को मिलता है, विंटर में मोस्टली वी गो फॉर फ्लीस निटेड. डीकैथलॉन एक ऐसा ब्रांड है जो मोस्टली विंटर वेयर में फ्लीस को इंट्रोड्यूस करता है अपने फैब्रिक्स में. तो फ्लीस क्या है, ये एक वेफ निटेड स्ट्रक्चर है, एक साइड को रब कर दिया जाता है, ब्रेड कर दिया जाता है, तो वो फ्लीस की लुक देता है. एंड इट इज अ सॉफ्ट नैप रिलेटेड सिंथेटिक Polyethylene terephthalate, that is polyester and other synthetic fiber, and it is manufactured on circular knitting machine. Iski properties kya hai, low stretchability, high elastic recovery, soft hota hai, warmth provide karta hai, dimensional stability iski high hoti hai, and it is used for casual wear, hats, sweaters, jogging bottoms, sweatpants, gym clothes, hoodies, inexpensive throw blankets and high performance outdoor clothing. नेक्स्ट इज योर फ्रेंच टेरी. फ्रेंच टेरी तीन या चार थ्रेड्स की फ्रेंच टेरी आपको मार्केट में देखने को मिलती है. ये कोर्स यान से बनाई जाती है, इसको भी फ्लैट निटेड स्ट्रक्चर से बनाया जाता है. इसके जो स्ट्रक्चर में टक्स एंड मिस होता है. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा मिस और टक का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं यहाँ पे. ये देखें, ये निटेड साइकिल है, ये निटेड साइकिल है वेफ नीटिंग में. आपकी जो नीडल है यहाँ पे राइज करती है नया यार्न लेने के लिए. पर कई बार अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, नीडल नीचे चली जाती है, क्लियर ऑफ हो जाती है लेथ से. पर कई बार हमें टक्स बनाने के लिए क्या होता है, ये जो पुरानी लूप है ये इसके लैच में ही रहेगी और नीडल एक और यार्न को खींच लेगी. तो मतलब यहाँ पे दो लूप्स आ जाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टक स्ट्रक्चर. और मिस स्ट्रक्चर है कि नीडल उस हाइट तक राइज ही नहीं करती जहां पे उसने नया यार्न लेना है, वो बिना यार्न लिए नीचे को वापस खींच जाती है. तो मतलब वहां पे कोई लूप फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मिस बोलते हैं. दिस इज नेट स्ट्रक्चर. तक मतलब दो लूप्स आ गई, मिस मतलब कोई लूप भी नहीं आई. ठीक है, नेम इटसेल्फ आपको बता रहा है, उसका नाम ही आपको बता रहा है व्हाट इज टक व्हाट इज निट मिस. नेक्स्ट इज योर दिस इज फ्रेंच टेरी वी वर डिस्कसिंग. तो इसके बैक साइड पे ये देखिए, कई बार आपको लूप्स दिखाई नहीं देंगी, कई बार डबल लूप्स आपको दिखाई देंगी. और इसका जो वेट है, अगर टक्स यूज किए होंगे तो वेट ज्यादा होगा. और 100% कॉटन का ये बनाया जाता है. प्रॉपर्टीज इसकी है लो स्ट्रेचेबिलिटी, हाई इलास्टिक रिटेंशन इसमें भी होती है, नॉन रिवर्सिबल फैब्रिक है, हाई ड्रेपेबिलिटी, हाईली एब्जॉर्बेंट, डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी इसकी हाई होते हैं. तो इसको यूज करते हैं कैजुअल जैकेट्स, हैट, स्वेटर्स, जॉगिंग पैंट्स के लिए. नेक्स्ट इज योर ग्रिंडल जर्सी. ये सॉफ्ट निटेड कोर्स ग्रिंडल यार्न से बनाया जाता है. सर्कुलर निटेड मशीन पे इसको बनाते हैं और इसका वेट मीडियम टू हाई होता है. GSM इंडिकेशन ऑफ वेट, ग्राम पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, किसी भी फैब्रिक का वेट GSM में किया जाता है.
100% कॉटन से ही इसको बनाया जाता है. इट हैज लो स्ट्रेचेबिलिटी, सॉफ्ट और रेजिलिएंट फैब्रिक होता है, नॉन रिवर्सिबल फैब्रिक, हाई ड्यूरेबिलिटी, हाईली एब्जॉर्बेंट और इसकी भी डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है. इसका यूज है लेजर वियर, मैन्युफैक्चरिंग मेंस, वुमेन्स एंड किड्स वियर के लिए. नाउ दिस इज यार्न डाइड स्ट्राइड जर्सी. जर्सी को सॉफ्टेड यार्न में यूज होते हैं. ये क्लासिफाइड इनटू ओटो एंड फीडर स्ट्राइपर्स. आपने कैसी स्ट्राइप्स देनी है, बड़ी बड़ी देनी है, छोटी छोटी देनी है, तो उसके बेसिस पे स्ट्राइप्स को बोला जाता है ओटो स्ट्राइप, फीडर स्ट्राइप्स और एक और क्लासिफिकेशन होती है मैकेनिकल स्ट्राइप्स. इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन सर्कुलर निटिंग मशीन. लो टू मीडियम जीएम इसका वेट होता है. 100% कॉटन या फिर कॉटन के ब्लेंड्स आपको देखने को मिलते हैं. स्टेबिलिटी कम होती है लेकिन इलास्टिक रिकवरी हाई होती है. सॉफ्ट एंड रेजिलिएंट फैब्रिक होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है, हाईली एब्जॉर्बेंट और डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है. लेजर वियर में आपका आ गया जो आप कैजुअल वियर में कपड़े पहनते हैं उसमें. ऑब्वियसली ये आपको पैटर्न मेंस, वुमेन्स एंड किड्स वियर की टी शर्ट्स में देखने को मिलेगा. दिस इज योर वैफल नेट्स. अभी हमने पीछे पीक नेट्स स्ट्रक्चर का. थैंक यू सोनू. बट लेट मी कंटिन्यू दी लेक्चर. दिस इज वेफल. वेफल जो है वो वेफ निटेड स्ट्रक्चर है. सॉफ्ट ट्विस्टेड इसमें यार्न यूज किया जाता है. ये एक रिवर्सिबल वोवन फैब्रिक है. ठीक है, रिवर्सिबल फैब्रिक है जो जिसकी रिजेम्बलेंस वोवन फैब्रिक की तरह होती है, हनीकॉम वीव की तरह. इट कैन बी सॉलिड और स्ट्राइपर. इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन सर्कुलर नेटिंग मशीन और इसमें 100% कॉटन या फिर कॉटन और पॉलिएस्टर के ब्लेंड्स यूज किए जाते हैं. तो इसका यूज लेजर वियर के लिए होता है. जहां पे भी वेफ नेटेड स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा हाई स्टेबिलिटी रिकवरी थोड़ी कम होगी, सॉफ्ट वार्म्थ होगी, उसमें ड्रिपेबिलिटी अच्छी होगी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी उसकी कम होगी. वेफनेट भी एक वेफनेटेड स्ट्रक्चर है. इसमें क्या किया जाता है, कट और अनकट पाइल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक. पाइल्स होते हैं इसके सरफेस पे. वेलियर इज अ नीटेड फैब्रिक टू स्ट्रेच. इट कंबाइंस इसमें क्या है, एक लाइक्रा यार्न जो स्पैंडेक्स यार्न है उसका यूज किया जाता है इसको एक स्ट्रेचेबिलिटी देने के लिए. और इसका जो फील है वो वेलवेटी होता है. वेलवेट का जैसा कपड़ा आपको फील करवाता है वैसा ही वेलर निट्स का जो फैब्रिक है वो वैसा फील देता है. तो इसको भी लेजर वेयर्स के लिए, इवन वुमेन्स के टॉप में इसका यूज किया जाता है, किड्स वेयर में इसका यूज आता है, मेंस वेयर में, देन इज ऑक्सिलरी पर्पस के लिए. अब हमने बात करी निटिंग की, सारा कंप्लीट हो गया. निटिंग से हमने बात करी, वेफ निटिंग, वार्प निटिंग, फिर हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े, हमने नीडल्स पढ़ी. पर इंडिया में निटिंग कहाँ कहाँ है? जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ लुधियाना इज दी हब ऑफ वेफ निटिंग. सो वी नीड टू नो निटिंग की क्या क्या इंडस्ट्रीज है और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. देर आर थ्री डिस्टिंग्विशेबल प्राइम क्लस्टर्स. किस नाम से होता है मैन्युफैक्चर, वो कंपनी जो गारमेंट मैन्युफैक्चर करता है निटिंग फैब्रिक बनाता है. और सेकंड है निटवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो निटवेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. और थर्ड है वाफ निटेड फैब्रिक्स बना रही है खाली. सो दीज आर द इंडस्ट्रीज, दीज आर द लोकेशंस. लुधियाना यू कैन सी की निटवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो आपके मेन्स अंडरवियर्स हैं या जो भी सिंपल फैब्रिक है, टी शर्ट्स का फैब्रिक है वो. ठीक है, देन इज दिस इज निटिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेकेंडरी क्लस्टर जो है वो भी लुधियाना में, बट वाफ निटिंग लुधियाना में नहीं होती. त्रिपुर में निटेड एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज का प्राइम क्लस्टर है. एंड दिस इज टेरिशरी क्लस्टर ऑफ निटवेयर मैन्युफैक्चरर्स. वाप निटिंग जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं सूरत में आपको देखने को मिलेगी वाप निटिंग. एंड स्लाइट क्लस्टर्स आर फाउंड इन दिल्ली, मुंबई, देन कैलिकट इज द टेरिटरी क्लस्टर एंड अमृतसर आपको देखने को मिलेगा. आई होप इट
टुडेज लेक्चर इज क्लियर व्हाट इज निटिंग. अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निटिंग चलती है, कैसे निटिंग साइकिल फॉलो होती है, क्या होते हैं निटिंग नीडल्स. अगर मैं वेयर्स और कोर्सेज की बात करूँ तो ऑब्वियसली इट शुड कम टू योर माइंड कि मैं वेफ्ट निटिंग की बात कर रही हूँ. अगर मैं अंडरलैप और ओवरलैप की बात करूँ तो वो वाफ निटेड स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है. नाउ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू पीपल. सिंगल जर्सी इज विच टाइप ऑफ फैब्रिक. Please answer it through the chats. Single jersey is please answer me. Okay, thank you, Baljinder ma'am. If you can understand my lectures and you are liking my lectures a lot, thank you for the comments. Yes. Aadya ma'am, hamara thoda sa time ka kami hai. We are yes, short of time. Okay, okay, sir. 2-3 questions are there. Can I go? Ma'am, actually, teacher wait. कर रहे हैं तो मैं मतलब आपको सजेशन ये दे सकता हूँ कि आप अपना या तो नंबर शेयर कर दीजिए या आप अपना ईमेल शेयर कर दीजिए सो दैट बच्चे आपसे आफ्टर लेक्चर बात कर पाएंगे डाउट्स के लिए. ओके ओके सो माय ईमेल आईडी इज agyapreet18@yahoo.com. सो आई एम स्टॉपिंग हियर टू गिव द टाइम. I hope you have understood. अगर आपने understand कर लिया होगा तो there is nothing more in questions. But अगर आपको lecture you have understood, so you will be able to understand each and everything. Okay, sir. I am winding up. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir.